कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षा एवं पूर्व विधायक अनिता रमन ने कोरोना संकट में सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। अनिता रमन ने कहा कि केंद्र सरकार को कोरोना बीमारी के खतरे के चलते बहुत पहले ही तैयारी पूरी कर लेनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, जिस कारण लोगों को लंबा लॉकडाउन का पीरियड भुगतना पड़ा है तो कई जाने भी गंवानी पड़ी हैं। बर्मन ने कहा कि जब दूसरे देश भारत को बीमारी से बचने की तैयारी करने के लिए संदेश दे रहे थे तब भारत के नुमाइंदे मुंह ताक रहे थे और इसी के कारण देश की जनता को आज कोरोना के संकट से जूझना पड़ रहा है। आज एक बहुत विषैली महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है, जिसका दस्तक सबसे पहले चाइना में मिला था और उसके बाद ये दस्तक जो है ये पूरे विश्व में इसलिए फैला क्योंकि सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जो है वो चाइना का हर देश में ज़रूर सर्दियों के समय पर जाता है। और हमारा जो देश है भारतवर्ष वो चाइना का पड़ोसी है, तो मेरे ख्याल से और हमारे भारतवर्ष के जो लोग हैं वो भी इसी बात को सोचते होंगे कि जब ये दस्तक चाइना में आया तो भारतवर्ष को सबसे पहले सतर्क होना चाहिए था और अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए थी कि ये महामारी कभी भी हिंदुस्तान में आ सकती है। लेकिन अफसोस की बात है कि जो विदेश से हमारे भारतीय आए थे उनके साथ भी जो उन्होंने अपना प्राथमिक स्वास्थ्य तहत जो व्यवहार किया वो इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि कई हमारे जो पॉजिटिव थे कोविड-19 के वो लोग काफ़ी लोगों के बीच में बेशक पंजाब हो, दिल्ली हो या दूसरे प्रदेश हैं घुल मिल गए, जिसके कारण ये कोविड जो है ये आस्ते आस्ते फैलने लगा। और दूसरी बात, जब हमें दूसरे देश संदेश दे रहे थे कि इसकी तैयारी करनी पड़ेगी, ये जो बीमारी है